نحمده ونستعينه ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم انه من يتق ويصبر فان الله لا يضيع اجر المحسنين وقال تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتدرون ما اكثر ما يدخل الناس النار قالوا الله ورسوله اعلم قال فان اكثر ما يدخل الناس النار الاجوفان الفرج والفم وقال اتدرون ما اكثر ما يدخل الناس الجنه قال الله ورسوله اعلم قال فان اكثر ما يدخل الناس الجنه تقوى الله وحسن الخلق او كما قال عليه الصلاه والسلام آج ارادہ یہ کیا کہ تقوی اور صبر کے اوپر بات کریں اور اس کو ہم یوں بھی کہہ سکتے ہیں कि आजकल जो हालात हमारे यहाँ चल रहे हैं उन हालात को सामने रख कर के लोग उलमा से मालूम करते हैं, वो छोटे उलमा हों या बड़े उलमा हों। जब हम उन बड़ों के पास बैठते हैं तो वो ये कहते हैं कि हम जहाँ भी जाते हैं तो हमसे मुसलमान यही पूछते हैं कि आजकल जो हालात चल रहे हैं इन हालात में हम मुसलमानों को क्या करना चाहिए। तो जवाब ये है कि हर सवाल का जवाब कुरान में मौजूद है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर जो ये कुरान नाजिल हुआ, इस कुरान में और अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत तैयबा में जिंदगी का कोई ऐसा पहलू आपने बाकी नहीं छोड़ा जिसमें अपने मानने वालों की रहनुमाई न फरमाई हो। सहाबा ने पूछा था, ए अल्लाह के रसूल, अब आप हमारे दरमियान में नहीं रहेंगे, आप थे तो हम अपने मसाइल आपसे मालूम करते थे, हर मसले में आपसे रहनुमाई हासिल करते थे। आपने फरमाया था, तरक्तु फीकुम अमरैन, मैंने तुम्हारे दरमियान में दो ऐसी चीज़ों को छोड़ा है, लन तदिल्लु मा तमस्सकतुम बिहिमा, अगर तुम उन दोनों चीज़ों को मजबूती से पकड़े रखोगे, उन दोनों चीज़ों से अपना ताल्लुक मजबूत रखोगे तो तुम कभी गुमराह नहीं हो सकते, सीधे रास्ते से नहीं भटक सकते। आपने उन दोनों चीज़ों में से पहले नंबर पर फरमाया किताबुल्लाह, अल्लाह की किताब यानी कुरान करीम, व सुन्नतु रसूलिही, और आपने फरमाया कि अल्लाह के रसूल की सुन्नत यानी हम सब के आका मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक ज़िंदगी के अहवाल, आपके अकवाल, आपकी तकरीरात, आपकी बातें, ये पूरी की पूरी चीज़ें हम मुसलमानों के लिए एक बेहतरीन गाइडर और रहनुमा है। तो हमें इन चीज़ों से रहनुमाई हासिल करनी चाहिए। हालात जो चल रहे हैं, ख़ासकर हमारे यहाँ आजकल दो तीन दिन पहले संभल में मुसलमानों को परेशान किया गया, उससे पहले एक हफ्ते से हालात ख़राब हैं, बहराइच के बतलाने की ज़रूरत नहीं है, और यक तरफा चीज़ों को लोग कवर करते हैं, ख़ासकर वो लोग जो हमारे मुल्क को या सूबों को चलाते हैं। तो इस सिलसिले में कुरान हमें क्या कहता है कि अगर ये हालात मुसलमानों पर आए तो मुसलमानों को करना क्या चाहिए। आज हम अपने हजरत की मजलिस में थे, हर महीने हजरत की मजलिस होती है, मौलाना सलमान साहब बिजनौरी नक्शबंदी, जो दारुल देवबंद के उस्तादुल हदीस भी हैं और आलमी शोहरत याफ्ता अल्लाह के मकबूल बंदे पीर दुल्फ़िकार साहब दामत बरकात, उनके बड़े खुलाफा में से एक खलीफा भी हैं, उन्होंने आज यही बयान किया। तो मैंने सोचा मैं भी हजरत की बातों को आप तक पहुंचा दूँ कुछ कुरान और हदीस की रोशनी में, तो इंशाल्लाह हम सबको उसका फ़ायदा होगा। कुरान करीम में हम सब ने एक किस्सा पढ़ा है हजरत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का, जानते हैं ना सब, रमज़ान में हमने पूरे उसकी सूरत की, पूरे किस्से की बड़ी अच्छी तस्री आपके सामने तफसीर जिक्र की थी, आपने भी उसको पढ़ा होगा, सुना होगा यूट्यूब पर, बहुत सारे उलमा इस पर बहुत तफसील से बयान भी करते हैं, मुझे किस्सा नहीं बतलाना।
उसकी मोटी मोटी बातें जिक्र करके एक पॉइंट पर ले जाकर किसी रुख की तरफ हमें जाना है। खुलासा क्या है उस किस्से का? हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम एक नबी बनने वाले हैं, बचपन का उनका जमाना है, और क्या उम्र उनकी होगी? मुफस्सिरीन का एक आइडिया और अंदाजा है 7-8-9 साल, बस ये, इससे ज्यादा नहीं। भाइयों ने हसद की बुनियाद पर उठाया और बाप से दूर करने के लिए कुएं में ले जाकर के डाल दिया। आप जानते हैं कुएं में जिन लोगों ने उनको देखा और निकाला तो उनको क्या करना चाहिए था? उनको ये करना था कि भाई ये किसका बच्चा है, इसको इसके घर पहुंचाया जाए, हम यही करेंगे ना जब किसी का बच्चा हमें मिलेगा। लेकिन उन्होंने ये नहीं किया, उन्होंने उठा करके फायदा उठाना चाहा और फौरन आपस में तज़किरा किया कि हम यूसुफ को ले जाकर के बेचेंगे। चुनाचे उन्होंने ले जाकर के मार्केट में बेच दिया। अब जिसने खरीदा, आप जानते हैं कि वो बादशाह मिस्र है, उसने भी इस पर दिमाग नहीं लगाया कि मुझे इस बच्चे को इसके माँ बाप तक पहुंचाना है। उसने उठा करके अपने घर में रख लिया, खादिम बना लिया। जरूरत थी उसको बच्चों की तो उसने बच्चे वाली मोहब्बत भी आपको दी। लेकिन बाद में क्या हुआ? जो चौथा राउंड है, आप सब जानते हैं कि जो बादशाह की बीवी है वो खुद उन पर फरेफ्ता हुई और उनको गुनाह की दावत दी। लेकिन उनके सामने अल्लाह की कुदरत थी, अल्लाह की रहमत और मेहरबानी थी, वो उस गुनाह से बच करके आगे निकल गए। अल्लाह ने उनको अपने फजल से बचाया और मसलिहतन उनको उठा करके जेल खाने में डाल दिया गया। कसूर कोई नहीं है, गुनाह कोई नहीं है, लेकिन उठाकर जेल में डाल दिया गया। आज अगर बहराइच के अंदर, संभल के अंदर, दिल्ली के अंदर, अभी जामिया में हिंसा हुई 2 दिन पहले, मुसलमानों के बच्चों को, बच्चियों को, लड़कों को, बूढ़ों को अगर जेलों के अंदर बेकसूर डाला जाता है तो हमें हजरत यूसुफ की सुन्नत के ऊपर ध्यान लगाना चाहिए, परेशान नहीं होना चाहिए। एक दिन वो आएगा कि हम बेकसूर होकर के बाहर आएंगे, जब अल्लाह ताला हजरत यूसुफ जैसे लड़के को, जो आने वाले वक्त में नबी बना और जिससे अल्लाह ने अपने बंदों की हिदायत का काम लिया, अपने बंदों को अपनी तरफ मुतवज्जे किया, अल्लाह ने उसको जेल में भिजवा दिया। भाई करने वाली जात तो अल्लाह की है, अल्लाह के हुक्म और उसके इशारे के बगैर, उसकी मंशा के बगैर कायनात का पत्ता नहीं हिल सकता, जर्रा इधर से उधर नहीं हो सकता। तो आप अंदाजा लगाइए कि इस किस्से के अंदर हमें कितनी इबरतें मिलती हैं। हजरत यूसुफ को जेल खाने में डाला गया और एक लंबे मरहले के बाद, मुद्दत के बाद में वो वहां से बाहर आए, और बाद में क्या हुआ? उन्होंने वहां सब्र किया तो नतीजे में अल्लाह ने उनको मिस्र का बादशाह बना दिया। आखिरी राउंड जिससे कुछ पॉइंट हमें लेना है वो ये है कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के जो भाई हैं, जिन्होंने बचपन में कुएं में डाला था, वो वहां गल्ला लेने के लिए आते हैं और आने के बाद में हजरत यूसुफ को देख करके शायद पहचान जाते हैं, लेकिन पुख्ता यकीन के साथ नहीं पहचानते। कुरान के अल्फाज ये हैं, वो गौर करने के बाद कहते हैं इन्नका लअंता यूसुफ, ऐसा लगता है कि शायद आप यूसुफ हैं। और चूंकि हजरत यूसुफ ने अपने भाई बिन्यामीन को भी वहां रोक लिया था, और जब ये भाई आए हैं तो दोनों वहां बैठे हुए थे बादशाही तख्त के ऊपर, तो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने जो अल्फाज कहे थे, हमें भी उसके ऊपर इबरत हासिल करते हुए अपनी तवज्जो को मबदूल करना है और हमें भी वो पॉइंट अपनी जिंदगियों में दाखिल करना है। किस्से को किस्से की हैसियत से नहीं, मजे लेने की नीयत से नहीं, इबरत की नीयत से हमें सुनना है। मैंने वही आयत पढ़ी थी, सूरह यूसुफ की आयत नंबर 90। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने क्या फरमाया जब उन्होंने कहा अना यूसुफ वहादा अखी कद मन्नल्लाहु अलैना, कि हाँ मैं यूसुफ हूं, ये मेरा भाई है और अल्लाह ने हमारे ऊपर एहसान किया। अब आप खुद गौर करें एक दो सेकंड के लिए, अगर हम में से कोई मुसलमान ऐसा हो जिसके साथ उसके भाइयों ने, उसके रिश्तेदारों ने, उसके पड़ोसियों ने, उसके दोस्तों या पार्टनरों ने अगर कोई ऐसा मामला किया हो जिससे उसके दिल को तकलीफ पहुंची हो। हजरत यूसुफ को तो कुएं में डाल दिया था, ये समझ लीजिए मारने की नीयत से डाला था, वो तो अल्लाह ने उनको बचा लिया। हमारे साथ हमारे पड़ोसी, रिश्तेदार,
घर के लोग, पार्टनर अगर हमें तकलीफ पहुंचाते हैं या हुकूमत हमें तकलीफ पहुंचाती है, मैं आपसे सवाल ये करना चाहता हूं, क्या वो तकलीफ उस तकलीफ से कम है या ज्यादा है जो हजरत यूसुफ को भाइयों ने पहुंचाई थी? जवाब दीजिए आप लोग। कम ही होगी भाई, हम में से किसी को किसी ने उठा करके कुएं में तो डाला नहीं जान से मारने के लिए, हुकूमत उठा करके जेल में डालती है, खाना भी देती है जेल में, परेशान करती है लेकिन खाना भी देती है। उधर भाइयों ने उठा करके कुएं में डाला था जान से मारने की नीयत से, अपने भाइयों को, अपने आप से और अपने बाप से भाई को दूर करने के लिए, लेकिन अल्लाह ने उनको बचाया। अब देखिएगा, ये सब भाई जब वहां पहुंचते हैं तो हजरत यूसुफ इनसे बदले की बात नहीं करते, इनसे ये नहीं कहते अच्छा तुमने मेरे साथ ये किया था। और वो जाहिर सी बात है जरूरतमंद थे, उनको गल्ले और राशन की जरूरत थी और ये बादशाह बने हुए थे, जब ताकत और हुकूमत का ओहदा इनके हाथ में था, चाहते तो क्या नहीं कर सकते थे, कितना खतरनाक बदला ले सकते थे। आप सोचिए, पूरे मुल्क के बादशाह हैं, खजाने आपके हाथ में हैं, सल्तनत पर काबिल और मालिक बनकर के बैठे हैं, और भाई आए हैं इस हालत में कि उनके घर में राशन की जरूरत है, उन्हें खाने के लिए परेशानियों का सामना है, मगर किसी पिछली बात पर बात नहीं करते, उनको उनकी गलती याद भी नहीं दिलाते, उनसे ये भी नहीं कहते कि तुमने मेरे साथ क्या किया था, एक लफ्ज कहकर के बात खत्म कर दी कि हाँ मैं यूसुफ हूं, ये मेरा भाई है और अल्लाह ने हमारे ऊपर एहसान किया। ये नहीं कहा मुझ पर एहसान किया, मुतकल्लिम का सीगा इस्तेमाल किया, अल्लाह ने हम सब के ऊपर एहसान किया। क्या एहसान? कि मुझे जिंदगी अता की और आपको मुझसे और मुझे आपसे मिला दिया, यानी बिछड़ने के बाद मिलने पर हजरत यूसुफ अल्लाह का शुक्रिया अदा कर रहे हैं। मुझे इस किस्से से आपको क्या पैगाम देना है, और कुरान भी यही पैगाम देना चाहता है कि जब कभी मुसलमानों पर हालात आए, मुसलमानों को परेशानियों का सामना करना पड़े, वो हालात और वो परेशानियां भाइयों की तरफ से हो, माँ बाप की तरफ से हो, पड़ोसियों की तरफ से हो, रिश्तेदारों की तरफ से हो, पार्टनरों की तरफ से हो, गर्द ये कि जिनके आप नाम ले सकते हो ले लीजिए, किसी भी की तरफ से हो, हमें वो करना है जो हजरत यूसुफ के किस्से से हमें इबरत मिलती है। क्या है पैगाम? नंबर एक, अल्लाह की जो दी हुई हालत है, वो परेशानी की हालत हो या खुशी की हालत हो, उसके ऊपर हमें सब्र करना है और शुक्र करना है। अगर हम परेशानी पर सब्र करेंगे और नियामतों और राहतों के ऊपर सब्र करेंगे तो इंशाअल्लाह जिंदगी में सुकून आएगा। ये हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के किस्से में जब किस्सा मुकम्मल हुआ तो बाज़ाब्ता यही अल्फाज हैं, इन्नहु मन यत्तकी वयस्बिर। अल्लाह फरमाते हैं कि जो इंसान तकवा इख्तियार करता है, अल्लाह से डर पैदा कर लेता है और सब्र करने की आदत डाल लेता है, तो अल्लाह ताला भलाई करने वालों के अजर और बदले को जाया नहीं करते, बर्बाद नहीं करते। तो इसलिए हम इन हालात में, जो हालात बहराइच में है, संभल में है, दिल्ली में है, गर्ज यह कि हिंदुस्तान के किसी भी कोने में है, हम मुसलमान हैं, हम मुसलमानों को परेशानियों के ऊपर सब्र का दामन नहीं छोड़ना, हमें सब्र करना है। और बड़े साफ लफ्जों में हमारे बड़े भी ये कहते हैं और हम भी, चूंकि आजकल कही हुई बात हर जगह पहुंचती है, ये बात कहते हैं कि हम हिंदुस्तान के मुसलमान अपने मुल्क के लिए अपने बड़ों की तरह कल भी वफादार थे, आज भी वफादार हैं और आइंदा भी वफादार रहेंगे। हमारे हिंदुस्तान के उलमा, वो उलमा चाहे देवबंदी हो, बरेलवी हो, किसी भी मसलक के उलमा हो, कभी भी किसी भी मसलक के उलमा अपने मसलक के मानने वालों को मुल्क के ताल्लुक से नफरत वाली बातें नहीं बतलाते, कभी कोई आलिम नहीं बतलाता। क्यों बतलाएगा? इसलिए कि हमने अपने बड़ों की तारीख पढ़ी है कि उनके पास ऑप्शन था कि वो वहां चले जाते, लेकिन उन्होंने उस ऑप्शन को चूज नहीं किया और वो यहां रहे हैं। क्यों रहे हैं? उनको लगता था कि आपस में मिलजुल करके रहेंगे तो हमें खुशियां मिलेगी, ये मुल्क मजबूत होगा,
इसलिए हम मुसलमान अपने बड़ों तक, हुकूमतों तक ये पैगाम पहुंचाना चाहते हैं और ज़रूरी समझते हैं कि आप हम लोगों से परेशान ना हुआ करें। हम आपके अपने भाई हैं और ये मुल्क हम सब का है, हम सब यहाँ मिलजुल करके रहेंगे। इसको माशी अतिबार से भी, अखलाकी अतिबार से भी हम मिलजुल करके मजबूत करेंगे तो हमारे मुल्क का पूरी दुनिया के अंदर नाम होगा। लेकिन इंसाफ की नज़र से हम अपने बड़ों से दरख्वास्त करते हैं कि वो देखना शुरू कर दें। ये नहीं होना चाहिए कि साहब मजहब देख करके या मसलक देख करके हम लोगों को अलग अलग कर दें कि साहब ये गैर है लिहाजा ये हमारा और ये अगर वो है तो लिहाजा दूसरा। मैं ये पैगाम आप लोगों को देना चाहता हूँ कि हम जैसे देवबंदी मसलक के उलमा हैं, हम किसी मुसलमान के अगर काम आने की बात करें तो ये देख करके बिल्कुल ना करें कि ये अपना है या गैर का है। ये साफ लफ्जों में मैं साफ साफ अल्फाज बड़े आहिस्ता आहिस्ता रुक करके बोल रहा हूं, हम मुसलमान अपना ये मिजाज बनाएं कि इस मुल्क हिंदुस्तान के अंदर हम जब तक रहेंगे इंशाअल्लाह हम मुसलमान देख करके नहीं बल्कि इंसान देख करके दूसरों के काम आएंगे इंशाअल्लाह। और आते हैं, हमारे हिंदुस्तान के उलमा ने अपने मानने वालों को, अपने मजहब और मसलक के लोगों को यही पैगाम दिया, बड़ों ने भी और आज के लोगों ने भी, कि आप इंसानियत के दम पर दूसरों के काम आए। आपके पड़ोस में रहने वाला अगर बीमार है और आप उसके कुछ काम आ सकते हैं तो आप ये ना देखें कि उसका मजहब क्या है और ये ना देखें कि उसका मसलक क्या है, ये भी ना देखें वो किस बिरादरी का है, ये भी ना देखें कि वो गरीब है या अमीर। आप जितना हो सकता है आप उसके काम आए और इस यकीन से काम आए कि हम आज इसकी मदद करेंगे, अल्लाह मरने के बाद कयामत के दिन हमारी मदद करेगा, बनाएंगे इंशाअल्लाह ये मिजाज। तो इसलिए इन हालात से परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, तकवे वाली ज़िंदगी को इख्तियार करने की ज़रूरत है। अब हम ये समझे कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के किस्से के बाद जो अल्लाह ताला ने तकवे का जिक्र किया कि जो तकवा इख्तियार करेगा और सब्र करेगा अल्लाह ताला भलाई करने वालों के अजर को ज़ाय नहीं करते, तो ये तकवा है क्या? कुरान करीम ने सूरह तलाक की आयत नंबर 2 में अल्लाह ताला ने इसी तकवे का और इस पर इनाम का जिक्र किया और फरमाया वमन यत्तकिल्लाह यजअल लहु मखरजा, कि जो अल्लाह ताला से डरता है, तकवा इख्तियार करता है, अल्लाह ताला उसके लिए रास्ते निकाल देते हैं, मुसीबतों से बचने की राहें अल्लाह ताला उसके लिए हमवार कर देते हैं। और एक वो चीज फरमाई जिसके लिए हम सब परेशान रहते हैं, जो हम सब की बेसिक ज़रूरत है। हम में से हर आदमी ये चाहता है कि हमारे पास पैसे हो, ठीक ठाक घर हो, गाड़ियाँ हो, खुशहाल ज़िंदगी हो। तो अल्लाह फरमाते हैं कि जो तकवा इख्तियार करेगा यरज़ुकुहु मिन हैथु ला यहतसिब, अल्लाह ताला उसको ऐसी जगह से रोजी अता फरमाएंगे जहाँ से उसने कभी सोचा भी नहीं होगा। ये कुरान के अल्फाज का मैंने तर्जुमा किया। अबू दाऊद शरीफ की एक रिवायत है, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया मन लज़िमल इस्तिग़फ़ार, कि जो आदमी पाबंदी से इस्तिग़फ़ार करता रहता है, इसका भी ताल्लुक तकवे से है। तकवा पैदा जब होगा जब हम अपने गुनाहों पर शर्मिंदा हों और इरादा करें कि आइंदा गुनाह नहीं करेंगे, अल्लाह का डर दिल में होगा, गुनाहों से माफ़ी मांगकर आइंदा गुनाह न करने का इरादा करेंगे, इस्तिग़फ़ार करते रहेंगे तो तकवे की ज़िंदगी हासिल हो जाएगी। इसी इस्तिग़फ़ार पर क्या फरमाया, जो आदमी पाबंदी से इस्तिग़फ़ार करता रहता है तो अल्लाह ताला उसको पहला इनाम ये देते हैं जअलल्लाहु लहू मिन कुल्ली हम्मिन फ़रजा, अगर वो किसी गम में मुबतला है अल्लाह ताला उसको उस गम से बाहर ले आते हैं। आजकल तर्जुमा ये कर सकते हैं कि अगर कोई अंडर प्रेशर लाइफ स्पेंड कर रहा है, कोई आदमी अगर डिप्रेशन में ज़िंदगी गुजार रहा है, तो इस्तिग़फ़ार करने की बरकत से, अल्लाह से माफ़ी मांगने की बरकत से अल्लाह ताला उसको डिप्रेशन से बाहर ले आए। रोज़ाना 100 मरतबा अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बिन व अतूबु इलैह,
इस इस्तिगफार की हम चलते फिरते आदत डाले। अल्लाह के नबी के अल्फाज हैं, आपने फरमाया या अय्युहन नास तूबू इलल्लाह, ये लोगों अल्लाह ताला से तोबा करते रहा करो, इसलिए कि मैं खुद अल्लाह ताला से दिन में 100 मरतबा इस्तिगफार करता हूँ। ये अल्लाह के नबी के अल्फाज हैं, अपने बारे में आपने अपनी आदत हम लोगों को बतलाई। तो इसका दूसरा फायदा, आपने फरमाया वमिन कुल्ली ज़ीक़िन मखरजा, जो कुरान की इस आयत में है कि अल्लाह ताला उसको तंगी से बाहर ले आएंगे। अगर हम गुरबत से परेशान हैं, कर्जे से परेशान हैं, मुकदमे से परेशान हैं, किसी मुसीबत में हम मुब्तला है, अल्लाह ताला इन तमाम परेशानियों से हमें बाहर ले आएंगे। और आगे वही बात फरमाई वयरज़ुकुहु मिन हैथु ला यहतसिब, अल्लाह ताला ऐसी जगह से रोजी अता फरमाएंगे जहाँ से हमने कभी तसव्वुर भी नहीं किया होगा, सोचा भी नहीं होगा। तो हम इरादा करें कि तक़वे की ज़िंदगी गुजारेंगे और इंशाअल्लाह रोज़ाना 100 मरतबा इस्तिगफार करेंगे। और अगर फिर भी परेशानी आ जाए, बाद मरतबा परेशानी ऐसी आती है कि हम सोच भी नहीं सकते। आजकल बहराइच में, संभल में, हर जगह जहाँ ये हिंसा हुई है वहाँ यही हुआ, दंगा किया किसी ने। हम तो बड़े खुलेआम कह रहे हैं क्योंकि हम अल्हम्दुलिल्लाह कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पर एक्टिव रहते हैं। एक गैर मुस्लिम भाई एक मुसलमान के मकान पर चढ़ा, छत पर चढ़कर उसने तिरंगे झंडे को वहां से गिराया और अपना भगवा झंडा वहां पर लहरा दिया। अब जाहिर सी बात है, जिस मुसलमान के घर में घुसकर उसकी छत पर चढ़कर यह दंगा नाचा जाएगा तो मुसलमान कुछ तो करेगा, और करेगा, करना भी चाहिए। यह हमारा कुरान भी हमें इजाजत देता है और हमारे मुल्क का संविधान भी हमें इजाजत देता है। हमारे तो हजरत आज ही ये बात फरमा रहे थे, मैं उन्हीं की बात नकल कर रहा हूं कि हम डर करके बिल्कुल ना रहे। इसका यह तर्जुमा नहीं कि हम मार घाट करें, बिल्कुल नहीं। हम इसके कायल ही नहीं हैं कि बगैर किसी वजह के आप किसी को मारें या बगैर वजह के आप किसी के ऊपर जुल्म करें। इस्लाम में जुल्म करना जायज नहीं है, वो अपनों पर कोई करे या गैरों पर कोई करे, बिल्कुल जायज नहीं है कि आदमी किसी को मारे। लेकिन हम डर करके कैसे रह सकते हैं? हमारा तो इस्लाम और कुरान और हदीसें हमें बतलाती हैं कि मुसलमान अल्लाह के अलावा किसी से नहीं डरता, तो डरने की क्या जरूरत है इसमें? आप गौर कीजिए, ये जो जानवर होते हैं, जानवर, आप अगर जानवरों में से किसी जानवर के डंडा मारेंगे, कोई डला मारेंगे, तो आपके उस डले और डंडे की वजह से डर करके वो वहां से उठ के भागेगा। क्यों भागेगा? उसे डर है, उसे अपनी जान की हिफाजत करनी है। तो जब एक वो चीज जिसके अंदर अकल नहीं है अपनी हिफाजत को जरूरी समझती है, जानवर जैसी चीज, तो इंसान कैसे अपनी हिफाजत नहीं करेगा? आप पढ़िएगा मुल्क के संविधान को, आप पढ़िएगा मुल्क के कानून को। हम पढ़ लिख कर के ये बात कह रहे हैं कि हमारे मुल्क के अंदर इसकी इजाजत है। कोई आदमी आया, हमें उसने मारा, हमें उसने परेशान किया, हम अपना बचाव कर सकते हैं, करने की इसकी इजाजत दी गई है। और अगर उसी बचाव में अल्लाह ना करे हमारा इंतकाल हो जाए, तो हम तो इस्लाम के मानने वाले हैं, हमारे नबी ने हमें बतलाया मन कुतिल दून नफ्सिही फहुवा शहीद, अगर जान पर आई थी इसलिए आपकी मुठभेड़ हुई और आप इंतकाल कर गए, अल्लाह के यहाँ शहीद का दर्जा। आपके अगर कोई माल के ऊपर हमला करने के लिए आया, आपने अपने माल की हिफाजत के लिए, अपने माल की बचाव के लिए मुठभेड़ की, उसमें आप इंतकाल कर गए, अल्लाह के नबी ने फरमाया तो भी शहीद। आपके घर वालों को कोई मारने के लिए आया, आपने बचाव किया, मुठभेड़ हुई, उसमें आप इंतकाल कर गए, अल्लाह के नबी ने फरमाया अल्लाह आपको शहादत का दर्जा देंगे। तो इसलिए मैं ये बात कह रहा हूं कि ये जो हालात भड़के हैं, इन हालात में बेकसूर लोगों को उठाया गया, यकतरफा कार्रवाई की गई। मेरे ख्याल से 200 घरों पर जो बिल्डोजर चलाने का आदेश दिया गया, उनमें से 3 घर गैरों के हैं, 197 मुसलमानों के। उन 3 को इसलिए दाखिल कर लिया गया ताकि जो हमारा मीडिया है उसे ये प्रोपेगेंडा करने का मौका मिल जाए कि देखो गैरों के भी तो घर है। अरे भाई, ये कहाँ का इंसाफ है? और याद रखें, मुझे हुकूमत से शिकवा नहीं करना, क्यों? वो तो जाहिर सी बात है दुश्मनाने इस्लाम है, खुल करके हम ये बात कहते हैं।
मुझे तो आप लोगों को कुरान का ये पैगाम देना है कि अगर अल्लाह ना करे हालात ऐसे आ जाएं कि हम बेकसूर होकर के भी जेलों में डाल दिए जाएं, जैसा कि हो रहा है, तो हम मुसलमानों को सब्र करना है। हजरत यूसुफ को बेकसूर थे और जेल के अंदर डाला गया। हजरत इब्राहिम की जिंदगी को उठाएंगे आप, बेकसूर थे, नमरूद ने ताकत के दम पर आग में डाला था। ऐसे एक नहीं, सैकड़ों किस्से नबियों के तारीख के अंदर, कुरान और हदीस के अंदर मौजूद है। तो इसलिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। अलबत्ता एक मुल्क का बाशिंदा होने की हैसियत से हम अपनी हुकूमत से ये गुजारिश करते हैं कि मजहब का चश्मा उतार करके आप इंसाफ के साथ काम लीजिए, इससे खुद आपकी आत्मा को शांति मिलेगी, आपको खुद सुकून मिलेगा, आपका कलेजा ठंडा होगा कि हाँ हमने इंसाफ के साथ काम किया। वरना मरना आपको भी है और मरना हम लोगों को भी है। मुझे ये पैगाम देना था। बड़ी तादाद में मुसलमानों के नौजवान लड़कों को जेलों में डाला गया। अगर मुसलमान के लड़के को इसलिए जेल में डाला गया कि वो किसी मुसलमान का पड़ोसी था, कोई उसने गलती नहीं की, उसने कोई जुर्म नहीं किया, तो उसे किस नियत से जेल में डाल जाना है? सब्र की नियत से। ये बातें हमारे बड़े इसलिए चाहते हैं कि मुसलमानों के सामने आए, ताकि मिसाल के तौर पर इस वक्त कई सौ लोग ये बात सुन रहे हैं, अगर अल्लाह ना करे हम में से किसी के साथ में ये दुर्घटना हो, ये हादसा हम में से किसी के साथ हो, तो मैं आपसे पूछता हूँ, आपने हजरत यूसुफ का किस्सा सुना, हजरत इब्राहिम की बात को सुना, कुरान की इन आयात को सुना, अल्लाह के नबी की अहादीस को सुना, क्या आपको परेशानी होगी जाने में? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, परेशानी होगी? देखिएगा, जैसे आप लोग हंसते हुए ये कह रहे हैं, बिल्कुल परेशानी नहीं होगी। हमें इस पर यकीन कर लेना चाहिए कि इंशाअल्लाह ये सब हालात दुरुस्त होंगे। और हम मुसलमान हैं, हमने कलीमा पढ़ा है। अगर कोई गैर आदमी हमें मारे और मारते मारते हमारी जान भी ले ले, तो मैं आपसे ये बात पूछना चाहता हूँ कि क्या हम ये कहेंगे कि उसने हमारी जान ले ली, या हमारे दिल में ये बात आएगी कि अल्लाह ने हमें आज तक की जिंदगी दी थी, इसलिए आखिरी वक्त आ गया था और चले गए? दो चीजें हैं, दोनों में से बतलाइए। ईमान की बुनियाद पर हमारे दिल में कौन सी बात आएगी, बतलाइए? यही बात आएगी कि भाई आज तक की जिंदगी थी इसलिए आज चले गए, और मौत ऐसे ही लिखी थी इसलिए मौत ऐसे ही आई। और ये बात हम आप लोगों को तसल्ली देने के लिए बिल्कुल नहीं कह रहे, ये कुरान का पैगाम है। कुरान के अल्फाज ये हैं, इदा जा अजलुहुम ला यस्ताखिरून साअतन वला यस्तक़दिमून। जब किसी इंसान की मौत का मुतय्यन वक्त आ जाता है, तो वो एक सेकंड न ज्यादा जिंदा रह सकता है, न उस फिक्स टाइम से एक सेकंड पहले मर सकता है। ये आपको और मुझे मानना पड़ेगा, ये कुरान की आयत का पैगाम है। अगर हम में से किसी का इसके ऊपर यकीन नहीं है, तो समझ लीजिए कि हमारा ईमान खत्म है। और हम में से कौन आदमी कह सकता है कि मेरी मौत कब आएगी, किस वक्त आएगी? सुनिए, कुरान करीम में 21वें पारे के अंदर अल्लाह ताला ने बड़े साफ लफ्जों में फरमाया, वमा तदरी नफ्सुम बिअय्यि अर्दिन तमूत। कोई इंसान नहीं जानता कि वो किस इलाके में मरेगा, कौन सी सरजमीन पर उसकी मौत आएगी, कोई इंसान नहीं जानता। और ये बात अकल में आए या ना आए, हम मुसलमानों को मान लेनी चाहिए। प्रैक्टिकल हमें चीजें मालूम होनी चाहिए। मैं आपसे पूछता हूं, क्या ऐसा नहीं होता कि एक आदमी अपने घर से निकला और अपने यहां से निकल करके कहीं सफर पर जा रहा था, घर से निकला और जाते हुए रास्ते में एक्सीडेंट हुआ और इंतकाल कर गया, ऐसा होता है या नहीं होता? वो वहां क्यों गया था? मौत उसको लेकर के गई थी। कुरान कहता है कोई नहीं जानता किस इलाके में मौत आएगी, तो अल्लाह ताला ने उसके दिल में ये बात डाली कि तुम वहां चलो। और जब वो वहां गए, मौत का फरिश्ता, उसे हुक्म था मौत इनकी यहां लेनी है, इस तरीके से लेनी है, तो मौत आ जाती है। कितने लोग ऐसे हैं जो किसी के मेहमान बनते हैं, रिश्तेदारी में जाते हैं और बिल्कुल सही सलामत होते हैं, रात में सोते हैं, सुबह में इंतकाल हो जाता है।
ये क्या है, ये मौत आदमी को वहां लेकर के जाती है। मैं अगले हफ्ते इस पर बात करूंगा। हाजी जी ये कह रहे हैं कि क्या एहतिजाज भी नहीं करना चाहिए, तो हमारे मुल्क हिंदुस्तान के अंदर एहतिजाज जो है पुरअमन तरीके से हमें कानून में दिया गया है और करते हैं हमारे मुसलमान पुरअमन एहतिजाज। ये मौजू ऐसा है कि जिस पर वक्त नहीं है, वरना मैं बोलता। आप लोगों को अभी मेरे ख्याल से पिछले महीने की रैली याद होगी, शायद याद है ना, इम्तियाज जलील साहब औरंगाबाद से निकले थे और हजारों की तादाद में गाड़ियां लेकर के पहुंचे थे मुंबई के अंदर। पुरअमन एहतिजाज हुआ और हमारे हिंदुस्तान के मीडिया ने, बाज़ाब्ता रजत शर्मा ने खुद ये ऐलान किया कि मुसलमानों ने पुरअमन एहतिजाज किया। तो हर जगह अच्छे लोग भी हैं, ये हमारे मुल्क का कानून है जो बड़ा साफ सुथरा और पाकीज़ा कानून है। और मैं ये बात कह कर के अपनी बात मुकम्मल करूँगा कि आज की पूरी गुफ्तगू का खुलासा मेरी ये है कि कुरान करीम में अल्लाह ताला ने हजरत यूसुफ़ के किस्से को बतलाया कि अगर तुम तकवा इख्तियार करोगे और तुम्हें जेल में डाल दिया जाएगा और तुम सब्र करोगे तो अल्लाह ताला तुम्हारे हालात को दुरुस्त करेंगे। मुसलमानों के उलमा अगर मुसलमानों को हालात के मुताबिक रहनुमाई नहीं करेंगे तो अब नबी आने वाले नहीं हैं हिंदुस्तान के अंदर, दुनिया के अंदर नबी आने वाले नहीं हैं। आप कितनी बड़ी तादाद में यहाँ मुसलमान बैठे हैं, क्या इस पूरे कुरान का तर्जुमा याद है आप में से किसी को? क्या इसकी तफसीर याद है आप लोगों को? जो मैंने अभी हजरत यूसुफ के बारे में बतलाया, क्या मालूम थी आपको ये बातें? किस्सा सुना होगा आपने शानदार तरीके से कि मोहब्बत हुई, इश्क हुआ, ये हुआ, वो हुआ, मन घड़त बातें आपने सुनी होगी। इस पहलू से हजरत यूसुफ का किस्सा सुना था, कौन बताएगा आखिर आप लोगों को? नमाज, रोजा, जकात, हज, उमरा सब मुसलमानों को मालूम है, सबको पता है। नमाज नहीं पढ़ेंगे कयामत के दिन पिटेंगे, जकात नहीं देंगे सबको पता है कि पिटेंगे, हज फर्ज है नहीं करेंगे तो पिटेंगे, सबको पता है। लेकिन अगर हिंदुस्तान के अंदर हालात बिगड़ते हैं, अल्लाह ना करे परेशानी आ जाती है, मुसलमान करेगा तो क्या करेगा? क्या मतलब है उस रिवायत का जिसमें हुजूर सहाबा से ये कह रहे थे, घबराना मत, मैंने तुम्हारे बीच में कुरान को छोड़ा, घबराना मत, मैंने तुम्हारे बीच में अपनी हदीसों को छोड़ा। वो कुरान कौन बताएगा तुम्हें, वो हदीस कौन बतलाएगा तुम्हें अगर हम लोग नहीं बतलाएंगे? इसलिए जितनी बातें बतलाई गई हैं, बड़े यकीन से कह रहे हैं, कुरान की बतलाई है, हदीस की बतलाई है, कानून के दायरे में बतलाई है। मेरे घर पे हिंदुस्तान का संविधान रखा है, बहुत अच्छे से पढ़ा लिखा हूँ, बहुत शानदार तरीके से पढ़ करके आता हूँ। हम इस बात से ये बतलाना चाहते हैं, हमारे जितने यंग लड़के यहाँ मौजूद हैं वो हिंदुस्तान का कानून पढ़े, हिंदुस्तान के संविधान को पढ़े, कुरान को भी पढ़े, संविधान को भी पढ़े, ताकि अगर आपको रोड पर रास्ते में कोई आदमी रोक ले, अगर वो अरबी जानता है तो आप अरबी में बात करें, इंग्लिश जानता है आप इंग्लिश में, मीडिया की आंखों में आंख डाल के बात करें, आजकल मोबाइल में आपके गूगल है उसकी आंखों में डाल दे, क्या है ये कानून, क्या बनाया था भीमराव अंबेडकर ने, क्यों है हमारे मुल्क के अंदर पार्लियामेंट? ये बातें मैंने इसलिए बतलाई है, भड़कीला बयान नहीं किया, एक एक चीज महफूज हो रही है, ये बच्चा इसको महफूज कर रहा है। इसलिए इन बातों के करने का मकसद भड़कीला बयान करना नहीं था, भड़कीली बातें करना नहीं था, कुरान से बात शुरू की थी, कुरान पर खत्म की है। हमारा कुरान और संविधान हमें मुल्क में खुलकर जीने की इजाजत देता है, इसलिए डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, आजाद होकर के रहें और अपने मुल्क की तरक्की के लिए जितना योगदान दे सकते हैं आप दें, ये मुल्क तरक्की करेगा, मुसलमानों के बगैर तरक्की नहीं कर सकता। अल्लाह ताला हम सब मुसलमानों की हिंदुस्तान के अंदर सही रहनुमाई फरमाए और कुरान और सुन्नत के मुताबिक हमें ज़िंदगी गुजारने की तौफीक बरहमत फरमाए। आमीन व आखिरु दुआ।